आज करनाल में ये राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो एक बार फिर से देखिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जहां पर करनाल से इसकी शुरुआत हुई है, राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की, तो वहीं खेल जगत से जुड़ी कई हस्तियां भी कार्यक्रम में पहुंची और द ग्रेट खली भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग फोनलाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, देखिए एक बार फिर से राहगिरी कार्यक्रम की शुरुआत करनाल से, ऐसे में क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिला, लोगों के बीच कितना उत्साह नजर आया? बिल्कुल, उत्साह नजर आया है और उसी के साथ साथ बच्चों में और ज्यादा उत्साह पैदा कर दिया सीएम मनोहर लाल ने, क्योंकि वो बच्चों के साथ कराटे खेलते हुए भी नजर आए, लूडो सांप सीढ़ी भी खेलते हुए नजर आए और हर उस जगह पर वो जा रहे हैं जो बच्चों ने वहां पर मनोरंजन के लिए लगाई है। कई बच्चे वहां पर ताइक्वांडो खेल रहे हैं, कई बच्चे वहां पर हॉकी खेल रहे हैं, कई वहां वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे खेल हो रहे हैं जिससे बच्चों के अंदर तो उत्साह है ही है और पूरे करनाल वासी उसके बाद जोश में आ गए हैं। और इस वक्त सीएम मनोहर लाल मंच पर हैं, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर चल रहा था, उसे फिलहाल रुकवाया गया है और वहां पर सीएम मनोहर लाल एक संदेश दे रहे हैं करनाल की पब्लिक को। इससे पहले भी उन्होंने जब राहगिरी की शुरुआत हुई तो बताया कि ये राहगिरी नियमित रूप से चलती रहे, इसमें रुकावट पैदा ना हो। अगर हफ्ते बाद करवानी है तो हफ्ते बाद करवाई जाए, 15 दिन के बाद करवानी है तो 15 दिन के बाद करवाई जाए और एक जगह, एक कमेटी नियुक्त की जाए, एक जगह चिन्हित की जाए और वहां पर हर हफ्ते या 15 दिन के बाद जरूर राहगिरी हो। एक संदेश उन्होंने दिया, हर राहगिरी के जरिए वो एक संदेश देते हैं। यहाँ का संदेश था सड़क सुरक्षा, क्योंकि उन्होंने बताया कि हरियाणा के अंदर 1800 से ज्यादा मौत हो जाती हैं हादसों के कारण, एक साल के अंदर कई लोग घायल हो जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस तो अपना काम करती है लेकिन लोगों को भी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। कई तरीके स्पोर्ट्स का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि स्पोर्ट्स के कार्यक्रम रखे गए, ऐसे में कौन कौन से कार्यक्रम थे जिन्होंने बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वो प्रफुल्लित हुए? वांशु, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? आप अपने सवाल फिर से दोहराएंगे? मैं कह रहा हूँ, देखिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी का जिक्र हो रहा था कि जो युवा है वो वहां पर पहुंचे और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लिया है उन्होंने, जिस तरीके से देखिए तस्वीरें सामने आई, साइकिलिंग करते युवा दिखे, तो कौन कौन से वो स्पोर्ट्स थे जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे और लोगों को प्रफुल्लित किया गया? देखिए, छोटा छोटा स्पेस दिया गया है हर स्पोर्ट्स को, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई कुश्ती खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, साइकिलिंग वहां पर है, पेंटिंग प्रतियोगिता वहां पर चल रही है, रंगोली प्रतियोगिता वहां पर चल रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर चल रहे हैं, योग वहां पर चल रहा है, बच्चों ने यहाँ पर जो हम ट्रैकिंग पर पेड़ों पहाड़ों पर देखते हैं कैंप लगाए हुए होते हैं, बच्चों ने वो वाले कैंप यहाँ पर लगाए हुए हैं। इसके अलावा और भी एडवेंचरस जो गेम है वो यहाँ पर चल रहे हैं, जिसके कारण बच्चों के अंदर उत्साह है, उनके जो कोचेज यहाँ पर आए हैं वो भी उन्हें मोटिवेशन दे रहे हैं कि इसी तरीके से आगे बढ़ना है। और बच्चों के अंदर उत्साह और ज्यादा तब बढ़ गया जब सीएम मनोहर लाल हर जगह पर जा रहे हैं, बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, कहीं पर लोग उनके साथ। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे हैं, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम वहां पर नजर आए? देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो वहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। अभी करीब आधे से पौने घंटे का कार्यक्रम बचा है और सीएम मनोहर लाल हर जगह पर जा रहे हैं, बच्चों को संदेश दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स को संदेश दे रहे हैं, ताकि जो उत्सुकता है, जोश है, वो बच्चों में बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।